नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। बेसिकली हम लोग एक एमएस वर्ड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक एमएस वर्ड के हर एक ऑप्शंस को कवर करेंगे, यानी हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जिसका यूज़ आपके प्रोफेशनल वर्क के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस वर्ड आखिर है क्या। एमएस वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। जिस तरह से आपका एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सिस है, आउटलुक है, उसी तरीके से आपका एमएस वर्ड भी एमएस ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट है एप्लीकेशन का। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बेसिकली इसका यूज़ होता है किसी भी असाइनमेंट को तैयार करने के लिए, किसी भी बुक को छापने के लिए, कोई भी लेटर तैयार करने के लिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, कोई जनरल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, या आपकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स बनते हैं, डीड्स वगैरह बनती हैं, वो तैयार करने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो बेसिकली यूज़ होता है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा आपका एमएस वर्ड के अंदर होता है। अब बेसिकली हम इसको स्टार्टअप कैसे करते हैं, यानी इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो की के साथ आर। विंडो की के साथ आर दबाने के बाद आपके सामने रन बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस रन बॉक्स में आपको इसकी रन कमांड टाइप करनी होगी, विन वर्ड। इसे आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले से ही टाइप कर रखा था, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करते ही जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि जिसकी मदद से आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर ब्लैंक पेज को सेलेक्ट करेंगे और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये हमने कुछ फाइल्स यहाँ पर पहले से बनाई हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बनाया हुआ है जो रिसेंट फाइल हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एमएस वर्ड का जो पेज है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो था तरीका एमएस वर्ड को ओपन करने का। अब इसको मैं यूज़ कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब इसके अंदर हम एक कमांड टाइप करेंगे इज इक्वल टू RAND, रैंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ को ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ रैंडमली इंसर्ट हो जाएगा। इस पैराग्राफ का बेसिकली यूज़ किया जाता है इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए, यानी इन सभी ऑप्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें पैराग्राफ चाहिए। तो जो बेसिकली एमएस वर्ड ने हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है हिडन करके, हम इस कमांड को जैसे ही पुट करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें यहाँ पर एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ इंसर्ट करना, तो सिंपली आपको इक्वल टू डालना है, RAND रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है उतने पैराग्राफ जितने आपको चाहिए। जैसे हमने वन लिखा, वन लिखने के बाद जैसे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ सिंगल वन पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। तो सिंपली आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में तो पता ही होगा कि कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बिना ऑप्शन को यूज़ किए बिना किसी भी डेटा का कट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि हमने इस वाली लाइन को कट करके नीचे लाना है, बट ना तो आपको ऑप्शन का यूज़ करना है और ना ही आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो आप कैसे इसको कट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डेटा को सेलेक्ट करके रखना है जिसको आपको कट करना है, उसके ऊपर कर्सर लेकर जाना है, माउस से क्लिक को दबा के रखना है और खींच कर नीचे की तरफ ले आना है। तो आप देखेंगे हमारा वो मैटर ऊपर से हटकर नीचे की तरफ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि इस वाली लाइन को आपको कॉपी पेस्ट करना है, बट ना तो ऑप्शन का यूज़ करना है और ना ही किसी शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और सिंपली खींच कर नीचे की तरफ ले आना है। जैसे आप खींच कर नीचे की तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे हमारा ये मैटर वहाँ से ऊपर से कॉपी होकर के नीचे की तरफ पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं बिना ही ऑप्शन का यूज़ किए बिना। ये तो छोटी सी ट्रिक थी। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए हमने इस मैटर को सिलेक्ट किया, इसके साथ हमें दूसरा मैटर भी सिलेक्ट करना है, बट ये जो पहला सिलेक्शन हमने किया था वो यहाँ से हट जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम ये भी सिलेक्ट कर लें, हम ये भी सिलेक्ट कर लें, हम ये भी सिलेक्ट कर लें, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली एक डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को दबा के रखना है
और जिस भी मैटर को आप सिलेक्ट करेंगे वो मैटर यहाँ से आपके सामने सेलेक्ट होता चला जाएगा, और एक साथ आप इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिलेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली सिलेक्शन कर लेते हैं किसी भी डेटा को, अगर हम सेलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको डेटा वर्टिकल सेलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, अगर हम इसको वर्टिकल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो रहा है हमारा पूरा का पूरा डेटा। और अगर आपको वर्टिकल सेलेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा के रखना है और यहाँ से आपको खींचकर इस तरीके से वर्टिकली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब भी चाहें इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करके नीचे की तरफ जहाँ भी चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्टिकल सिलेक्शन भी कर सकते हैं ऑल्ट की मदद से। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग कहीं पर पेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और नीचे ले जा करके हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से दूसरे डेटा को सिलेक्ट किया, इसको हमने कॉपी किया और इसको भी नीचे ले जा करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने पहले कॉपी किया था, यानी पहला जो डेटा हमने कॉपी किया था, मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ नीचे, यानी इस वाले डेटा को मैं दोबारा से पेस्ट करना चाहता हूँ, बट दोबारा कॉपी नहीं करना चाहता, यानी बिना कॉपी करे इस डेटा को फिर से कैसे पेस्ट किया जा सकता है। तो आपको बताऊँ, यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पर क्लिपबोर्ड का एक फंक्शन खुल जाएगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बेसिकली इस क्लिपबोर्ड का यूज़ किया जाता है कि आप सिस्टम में किसी भी जगह पर कुछ भी कॉपी या पेस्ट करते हैं, वहाँ से डेटा को कॉपी करने के बाद अगर आप कहीं भी पेस्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर एक क्रोम ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से हम एक वेबसाइट खोलते हैं, जैसे हमने अपनी वेबसाइट खोली एक्सेल इन्फोटेक, और इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पर हम कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मान लीजिए हमने किसी डेटा को कॉपी किया, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे हम वापस से एमएस वर्ड के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे हमने जो भी डेटा यहाँ पे कॉपी किया था वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। हमें पेस्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके रखना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पर खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, वहाँ से आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं और वो डेटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पूरे सिस्टम में कहीं से कुछ भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हैं बिना पेस्ट ऑप्शन का यूज़ किए बिना। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पीडीएफ फाइल सेलेक्ट की और इसको F2 करके इसके नाम को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। अब कॉपी करने के बाद हम चले गए कहाँ, वापस से एमएस वर्ड के अंदर, आप देखेंगे वो नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे सिस्टम में कहीं से भी कोई भी डेटा कॉपी करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाती है। बेसिकली इसके अंदर 22 हिस्ट्री आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 1 से 22 तक हिस्ट्री आप सेव कर सकते हैं और उन 22 हिस्ट्री को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमने आप दूसरा वाला डेटा पेस्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करके जैसे इस डेटा पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा दोबारा से पेस्ट हो जाएगा, जबकि हमने इसको दोबारा कॉपी नहीं किया। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे की सीरीज़ में बताएंगे। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी एमएस वर्ड की, बेसिकली ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था एमएस वर्ड का, जो कि हम सीरीज स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड की, जिसमें हम जीरो से लेकर के एंड तक आपको सारे ऑप्शंस को कवर अप करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।